Hello everyone, this is Shayan, Siddiqui with you, an expert business and economics lecturer, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to discuss with you partnership business and the advantages and disadvantages of partnership business. The lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, partnership. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, दो लोग हाथ मिला रहे हैं और ये तय कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि आओ मिलके कारोबार करें, इसे कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अच्छा मूव करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला क्या हूँ, मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझाऊंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है या साइलेंट पार्टनर कौन होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट क्या होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप क्या हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मूव करते हैं जनाब पार्टनरशिप बिजनेस डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। पार्टनरशिप इज अ बिजनेस वेयर टू और मोर इंडिविजुअल्स जॉइंटली ओन अ बिजनेस, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस को ओन करते हैं एंड टेक द फुल और पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एक बिजनेस की अपने परसेंटेजेस के हिसाब से। मैंने यहाँ परसेंटेज का वर्ड यूज़ किया है, इन्वेस्टमेंट का नहीं किया, क्योंकि कभी ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं जहाँ पे पार्टनर ने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया होता, सिर्फ पीआर यूज़ करता है या अपने स्किल्स यूज़ करता है, पैसा किसी और का होता है पर 50-50 पे होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं किया, परसेंटेजेस यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा, इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स शेयर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द प्रॉफिट्स मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 19 हो, ये सारे मिलके डिसीजन मेकिंग करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा वो इनकी परसेंटेज के हिसाब से आपस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे किसी का 50% शेयर है, किसी का 2% शेयर है, तो जितना उसका शेयर है उसी हिसाब से उसको उसका परसेंटेज भी मिल जाता है। क्लियर हो गई बेसिक डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, चलिए जी मूव करते हैं। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स बड़ी आसान सी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, क्या है, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस व्हेन टू और मोर पीपल डिसाइड टू शेक हैंड्स एंड रन अ बिजनेस टुगेदर By investing money or skills, जो बात मैंने अभी कही थी, या तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे या स्किल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, By investing money or skills and they take the percentage of profit or bear the loss according to their investment or percentages। ठीक है, तो क्या मैंने कहा, या तो वो अपने फायदे लेंगे जो उनको प्रॉफिट आया है, या नुकसान को बर्दाश्त करेंगे जो उनका परसेंटेज है उस हिसाब से। दो लोग आए, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, शो इतना पैसा इन्वेस्ट करो, शो इतना आपका इतना मेरा, ओके इतना प्रॉफिट आपका इतना मेरा, ओके, यानी मैं कैसी बात बता रहा हूँ, ये पार्टनरशिप बिजनेस होता है, दो लोग दो से ज़्यादा भी मिलके करते हैं। अब कितने लोग हो सकते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। अच्छा जनाब, अब बिजनेस इज ओन्ड बाय 2 to 20 पीपल, ये जो 20 का वर्ड है बेसिकली ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, कुछ कंट्रीज़ में 6 लोग अलाउ होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, अगर वो 7 हो जाए तो वो कंपनी हो जाती है, उसको कंपनी कन्वर्ट करना पड़ता है, कुछ में 12 हैं, कुछ में 18 हैं, और मैक्सिमम जो दुनिया के अंदर नंबर रिकॉर्ड है वो 20 हैं, 20 पार्टनर्स तक हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बिजनेस पार्टनरशिप ही रहेगा। लेकिन अगर 21 हो गए, 21 हो गए, अब नहीं हो सकते, अब इसको कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स होते हैं। द बिजनेस कैन नॉट इश्यू शेयर्स अंटिल कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, बिजनेस शेयर्स इशू नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना बन जाए, चाहे आपके 20 पार्टनर्स हैं आप शेयर नहीं इशू कर सकते,
ठीक है, जब आप अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए तो आप शेयर इशू कर सकते हैं, मगर जनरल पब्लिक को नहीं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गए तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप शेयर इशू कर सकेंगे। ये एक डिस्कशन है जो मैं कंपनीज में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, मूव करते हैं जनाब, साइलेंट पार्टनर कौन होता है? देखो, पहली तो चीज ये कि साइलेंट पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं। ये कौन होता है? ये वो शख्स होता है जो पैसा इन्वेस्ट कर देता है और उसके बाद बैक ऑफ रहता है, बैक एंड पे काम करता है। वो कहता है, यार खेलो आप लोग, सारा कुछ मैनेज आप करो, पैसा मेरा लगा हुआ है, ठीक है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट दे दो, बाकी मैं किसी मामले में नहीं पड़ूंगा, ठीक है। व्हेन द मनी इज रेज इन द पार्टनरशिप बिजनेस फ्रॉम द पीपल who do not actively participate in running business, उसे आप कहते हैं sleeping partner। अच्छा, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। GCC की countries में, especially सऊदी अरब वगैरह के अंदर, वहाँ पर कफील सिस्टम एक होता है, ठीक है, वो sleeping partners होते हैं। पैसा आपका लगता है लेकिन officially वो आपको support देता है, उसके नाम पर उसकी government की एक requirement है कि उसकी सपोर्ट पे आप बिजनेस करते हैं, आप उसको उसका परसेंटेज देते हैं क्योंकि आप उसका नाम यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी गवर्नमेंट की जितनी लीगल चीज़ें हैं आप उसकी यूज़ कर रहे हैं, आप उसको परसेंटेज देते हैं, वो नॉर्मली आपके बिजनेस में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करता। तो आप रन करें, आप अपना प्रॉफिट लें, बट आप उसको उसका शेयर दे दें, ऐसी सूरत हाल में वो एक स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। क्लियर होगी यहाँ तक बात? वो शख्स जिसने अपना कुछ लगा दिया, पैसा वैसा लगा दिया और उसके बाद अब वो एक्टिवली बिजनेस के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन अलबत्ता वो अपना शेयर जरूर लेगा। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये जमींदारी की फील्ड के अंदर लोग अपनी ज़मीन दे देते हैं, ज़मीन दे देते हैं, अब सारा काम आपका उगाना काटना हर चीज़ करना आपकी जिम्मेदारी है, जब ज़मीन उतरेगी फसल उतरेगी तो वो कहेंगे भाई इतना परसेंट हमारा है बाकी आपका है, 10% 20% हमारा क्योंकि हमारी ज़मीन आपने इस्तेमाल की है। तो ये पहले से एक एग्रीमेंट हो जाता है, ऐसी सूरत हाल में वो स्लीपिंग पार्टनर्स कहलाते हैं, ठीक है, या साइलेंट पार्टनर्स कहलाते हैं। अच्छा जनाब, मूव करते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, बिल्कुल सेम एज सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप बिजनेस भी अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है। अगर बिजनेस को लॉस हुआ, बिजनेस डूबा, तो जितने पार्टनर्स हैं ये सारे इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी स्टेक पे हैं, रिस्क पे हैं, ये सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी जा सकती हैं इनकी, ये खुद भी जेल जा सकते हैं, इनका घर भी बिक सकता है, क्योंकि ये सब लीगली अपने बिजनेस से अलग नहीं है। कंपनी में अलग हो जाते हैं लेकिन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर में लीगली दे आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अच्छा, मूव करते हैं जनाब, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जिसको आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। मैं आपसे पार्टनरशिप करता हूं और बस मैं कहता हूं, अच्छा यार ऐसा है कि मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इतना तुम्हारा इतना मेरा, ये तुम कर लेना ये मैं कर लूँगा, सुबह आपको याद भी नहीं होगा आपकी क्या बात हुई थी। तो ये सब कुछ जो है वो लिखा जाता है प्रॉपरली पार्टनरशिप डीड में कि भाई आपका कितना प्रॉफिट शेयर है, कितनी क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन केस लॉस हो गया तो क्या होगा, प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा, किस किस परसेंटेज के हिसाब से हमें। तो ये सॉरी द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप डीड, यहाँ बच्चे पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, गलती मत करना, पार्टनरशिप डीड लिखना। अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस बेयरिंग, कॉल द पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। चलिए जी, मूव करते हैं। अच्छा, इसमें पार्टनरशिप डीड में चीधा चीधा क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, लिखी जाती हैं, मैंने प्रोमिनेंट पॉइंट्स उठा ली हैं, इन्हीं पॉइंट्स से बाकी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे सम ऑफ फाइनेंस कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है ये मेंशन होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रोल्स क्या है, ये लिखा हुआ होता है हर ईच पार्टनर के, हाउ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस कैसे बेयर करेंगे सब, ये भी उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है ताकि बाद में लड़ाई दस्तोगिरेमा ना हो एक दूसरे के। द कंडीशंस अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, आपने कैसे उसको वेलकम करना है, ये वेलकम वो वाला नहीं कि मुस्कुराना है, यानी मुस्कुराना है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम किसी को एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग सब डिसाइड करते हैं कि भाई अब जो भी पार्टनर आएगा हम वो चाहे जितना भी पैसा लगाए हम उसे 5% से ज़्यादा ऑफर नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस अब चल चुका है क्योंकि सारा कुर्बानी का टाइम तो हमने गुजारा है, तो अब हम 5% से ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं पार्टनरशिप डीड में। Clauses and rules of withdrawal of partner, कोई पार्टनर कहता है कि यार अब हमने काम नहीं करना, बस यार मैं तो चला,
तो मेरा जो भी शेयर है, जो कुछ भी है, बस मैं अपने पैसे निकालना चाहता हूँ और मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहता हूँ। ऐसी सूरत हाल में किसी को विड्रॉ करना है तो क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, कैसे विड्रॉ करेगा, कितना परसेंट विड्रॉ करेगा, पूरा करेगा, थोड़ा करेगा, आधा करेगा, किस्तों में मिलेगा, क्या होगा, उसका नाम रहेगा, गुडविल रहेगी नहीं, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं पार्टनरशिप डीड में। फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ एंडिंग अ पार्टनरशिप, नहीं चली पार्टनरशिप, आपस में नहीं बनी, लड़ाइयाँ होती रही, पड्डे होते रहे, इवन दो कि बिजनेस आपका प्रॉफिट कर रहा है सब, फिर भी मिसाल के तौर पर आपके बिजनेस नहीं चल सका, आप कहते हैं भाई एंड कर दें अब आप पार्टनरशिप को, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब कैसे एंड करना है ये उसके अंदर सारा कुछ मेंशन होता है। क्लियर हो गया पार्टनरशिप डीड? चैलेंज मूव करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये डिसएडवांटेज था सोल ट्रेडर में क्योंकि आपके पास कोई था ही नहीं। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 100,000 है, एक बंदा आता है वो कहता है यार 200,000 मेरे पास हैं, ज़बरदस्त यार मैं तेरे साथ बिजनेस में लगाना चाहता हूँ, लगा ले भाई 50% तेरा 50% मेरा, क्योंकि मैं तो बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा हूँ। ठीक है, पहले 100,000 तब कितने हो गए, 300,000 हो गए, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जितने पार्टनर आएंगे वो अपना अपना पैसा लाएंगे, वो अपने अपनी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये एडवांटेज है। स्पेशलाइजेशन जो आ रहा है उसको कुछ ना कुछ तो आता होगा ना भाई, ऐसा होता है दो तीन दोस्त मिलके कोई बिजनेस को शुरू करते हैं, एक कहता है यार तुम वेबसाइट के अंदर अच्छे हो, तुम वेबसाइट का काम करना, मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, मैं मार्केटिंग का करूँगा, भाई तू फाइनेंस के अंदर है, तू हमारे हिसाब किताब देखता रहे बस। ठीक है, दो तीन लोग मिलके करते हैं, स्पेशलाइजेशन, ये एडवांटेज है उसके अंदर। पार्टनरशिप में डिवीजन ऑफ लेबर, सेम थिंग, यानी आप वर्क काम को भी जो है वो डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंगली, सेम चीज़ नहीं है, दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप उसको कंसीडर करें। शेयर डिसीजन मेकिंग, शेयर डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसीजन लेना है, सबका इनपुट आ जाता है उसके अंदर, यार मेरा ख्याल है ऐसे करते हैं, नहीं मेरा ख्याल है ऐसे कर लेते हैं, सब मिलके एक फैसला करते हैं, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर पाता कि भाई तेरी वजह से हम डूब गए, नहीं मिलके एक फैसला करेंगे तो उसमें सबके पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, कौन क्या सोच रहा है, किसके जहन में क्या है, हो सकता है किसी का आइडिया ज़्यादा अच्छा हो, तो ऐसे में पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन मेकिंग अच्छी और स्ट्रांग हो जाती है। लॉस विल बी शेयर्ड, ये बड़ा अच्छा है, अगर 100,000 डूबे तो पूरे 100,000 मेरी जेब से नहीं जाएंगे, 50 उसके 50 मेरे, तो लॉस भी जो है वो शेयर्ड हो जाता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है पार्टनरशिप की। अच्छा, प्राइवेसी, पार्टनरशिप सेम एज सोल ट्रेडर, आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं करने, दुनिया को नहीं दिखाना है आपने क्या किया, कितना कमाया, कितना खोया, तो प्राइवेसी और पार्टनरशिप बिजनेस क्योंकि अक्सर बहुत बड़े नहीं होते तो इसके अंदर आपको आपकी प्राइवेसी बरकरार रहती है सोल ट्रेडर की तरह, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। क्यों होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत सारे मैनेजर्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेसिफिक जो आपके पार्टनर्स हैं वही डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर लेते हैं, मुख्तलिफ कामों को मैनेज कर लेते हैं, डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज़ कर लेते हैं, आपको सुपरवाइजर्स को रखने की ज़रूरत नहीं होती अक्सर, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है अक्सर पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी सेम एज सोल ट्रेडर, यहाँ पे भी एक डिसएडवांटेज ही है वो, क्योंकि आपका बिजनेस कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है, ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अपनी बिजनेस से लीगली अलग नहीं हैं, आप अपने बिजनेस के साथ ही हैं पार्टनरशिप में। अगर आपका बिजनेस लॉस में गया, डूब गया, बैंककरप्ट हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, आप भी जाएंगे, आपका सामान भी जाएगा, घर भी जाएगा, गाड़ी भी जाएगी, ठीक है ना, बीवी बच्चे रह जाएंगे शायद, वही रह जाएंगे, बाकी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, ये बड़ा डिसएडवांटेज है यार, 100,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है मिसाल के तौर पे और उसमें से 50,000 कोई ले लेगा तो बुरा ही लगता है जेब से पैसा जाना, ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन असल में ये एडवांटेज है लॉस में, जब लॉस होता है तो आधा शेयर भी तो हो जाता है ना, पर जब प्रॉफिट आता है और वो शेयर होता है तो वो एक तरह से डिसएडवांटेज है, समझ लो चीज़ें। अच्छा, स्लो डिसीजन मेकिंग, ये बड़ी प्रॉब्लम है पार्टनरशिप के अंदर कि आपको कंसल्ट करना पड़ता है कि भाई आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, क्योंकि एक फैसला स्ट्रेट आप नहीं ले सकते। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, छोटी सी चीज़ के लिए भी जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते थे, भाई अप्रूव नहीं हुई अभी तक, क्यों, अरे भाई वो जो हमारे एक डायरेक्टर हैं वो अभी कैनेडा गए हैं, वो आ रहे हैं अगले हफ्ते, उनके साथ बैठेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, अब वो जब आएंगे तो फिर वो आएंगे तो फिर बात होंगी, जब बात होगी तो फिर हमको पता चलेगी, तो हम उस इंतज़ार में बैठे रहते थे तो डिसीजन मेकिंग ऐसे में बहुत स्लो हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, ये ज़रूर होता है, कोई किसी एंगल में सोचता है, कोई किसी और एंगल में सोचता है, ऐसी सूरत हाल में आपस में पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कोई कहता है नहीं यार हम, मेरा ख्याल है कि ये टारगेट मार्केट हो, कहता है नहीं यार ये टारगेट मार्केट होनी चाहिए, यार ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, नहीं 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 ये वाली होनी चाहिए, इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप बिजनेस का।
اچھا جناب، لیک آف کنٹینیوٹی یہ بھی ہوتا ہے پارٹنرشپ بزنس میں اکثر، کہ اگر کوئی اونر مر جائیں، انتقال کر جائیں، تو ایسی صورتحال میں بزنس شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی ریپلیسمنٹ پیچھے سے آنا بہت مشکل ہوتی ہے، یا اگر بڑے پراپر طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہو کہ بھائی ان کیس کوئی مرے گا تو اس کے پیچھے کون آئے گا، کون ٹیک اوور کرے گا، کیا پرسنٹیج ہوگا، کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، وہ کیا ایریا سنبھالے گا، تو پھر چل جاتا ہے. لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر اگر ایک دو تین پارٹنرز ہیں اور کوئی ایک مر گیا یا چھوڑ گیا تو پھر پارٹنرشپ کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیک آف ہارمونی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے. آپ کو نہیں پتا سامنے والا اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا ہے. اس کے دماغ میں این ممکن ہے کہ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی غلط پلان ہو، این ممکن ہے بہت اچھا پلان ہو. ٹھیک ہے، تو لیک آف ہارمونی یہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی جو ہے وہ 100% سنسیئر ہے بزنس کے ساتھ. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یوز کر رہا ہو، کوئی آپ کے نام کو یوز کر رہا ہو، کوئی آپ کے کانٹیکٹس یوز کر رہا ہو، کوئی پیچھے پیچھے اپنا بزنس سیٹ اپ کر رہا ہو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، تو ہارمنی کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے. کانفلکٹس بٹوین پارٹنر یہ تو میں آلریڈی سمجھا چکا ہوں کہ آپس میں کانفلکٹ ہو جاتے ہیں، کوئی اگری کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیوس کو اچیو کیا یا نہیں کیا لیسن کے. تو بالکل کر لیا. ہم نے ڈیفینیشن پڑھی، ایکسپلینیشن پڑھی. میں نے آپ کو بتایا کہ سلیپنگ پارٹنر اور سائلنٹ پارٹنر کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹنرشپ ڈیڈ اور اگریمنٹ کیا ہوتی ہے. ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف پارٹنرشپ بزنس میں نے آپ کو سمجھایا. یہ تھا میرا آج کا پارٹنرشپ کا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پارٹنرشپ بزنس کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی کر دیں، اور اگر آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں بہت شکریہ. دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ ان کا بزنس مینجمنٹ، اکنامکس، مارکیٹنگ، HR ان کے لیکچر سے فائدہ ہو جائے. میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.